अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश हमदीद कहता हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेज ओरिएंटेशन पर कि पेज ओरिएंटेशन क्या होती है और हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे किस तरह काम आती है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से ओरिएंट करते हैं और उनको किस तरीके से प्लेस करते हैं तो दोस्तों आ, पेज लेआउट में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी तो मार्जन्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन पर ठीक है तो ये सेकेंड टैब है पेज सेटअप में पेज लेआउट के टैब के अंदर तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है तो जैसा कि मैंने लिखा है डायरेक्शन इन विच टैक्स एक्सटेंड्स ठीक है अब सपोज आपका ये एक पेज है ठीक है ये एक पेज है ठीक है ये एक पेज है तो आप औरटेशन बताती है कि आपके पेज किस आपके पेज की क्या डायरेक्शन होगी ठीक है आपका पेज किस सूरत में चलेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बड़े हिस्सा आपका जो टेक्स्ट है वो छोटे हिस्से के ऊपर एक्सटेंड हो ये मतलब यहाँ से लेकर इस तरफ जाए ठीक है तो इसको कहेंगे कि हमारा टैक्स पोर्ट्रेट में है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा टैक्स बड़े हिस्से पर हो यानी हमारा टैक्स मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा हिस्सा है यानी उल्टा रखकर या जो नॉर्मल पोजीशन है उसे चेंज करके यानी हम चाहते हैं कि हमारा पेज बड़ी साइज़ बड़े साइड के ऊपर हम लिखना चाहते हैं या अपने टेक्स्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम कहेंगे वो लैंडस्केप के ऊपर होता है तो इस तरीके से ऑरिएटेशन uh, का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम हम बताते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट किस सिमत में हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्स्ट आएगा ठीक है तो अगर छोटे हिस्से के ऊपर करना है तो हम उसको पर, पोर्ट्रेट कहेंगे अगर बड़े के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है बड़े हिस्से के ऊपर तो हम कहेंगे कि ये लैंडस्केप में है ठीक है यानी किस डायरेक्शन में है ठीक है तो अ, 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 अब हम बात कर लेते हैं अ, ओरिएंटेशन थी ओरिएंटेशन हमारे पास दो किस्म की होती हैं ठीक है तो दो किस्म की डायमेंशन होती हैं पेज की ठीक है पहली होती है पोर्ट्रेट दूसरी होती है लैंडस्केप पोर्ट्रेट अमूमन हमारे डॉक्यूमेंट यानी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ होती है और ये अमूमन हमारी होती है आ, जो शॉटर जो शॉर्ट साइड है पेज की उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट एक्सटेंड होता है ठीक है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन अमूमन हमारी जो होती है ग्राफिक्स ब्रोशर्स टेबल्स अमूमा अपने अपने ब्रोशर्स वगैरह देखे होंगे किसी भी कंपनी के सेवर के या किसी जगह के भी तो वो देखे होंगे वो लॉन्ग साइड के ऊपर हुए पड़े होते हैं मतलब हमारी तरह नॉर्मल पेज की तरह नहीं होते बल्कि वो लंबे हिस्से के ऊपर हमारा टेक्स्ट प्लेस हुआ पड़ा होता है तो हम उस ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कहते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में हम मारे चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है तो आज की वीडियो में हम पहले अपने जो डुमेंट है उसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में लेकर जाएंगे फिर लैंडस्केप से हम पोर्ट्रेट के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारी डॉक्यूमेंट ओपन हो भी पड़ी है तो उसको ओरिएटेशन कैसे चेंज करनी है हम पेज ले में गए हैं ठीक है तो ये टैब है पेज ले का ठीक है और आर पी के साथ भी ओपन हो जाता है पेज ले ठीक है और उसके बाद हम इसके बाद हम चले जाते हैं के अंदर ओरिएंटेशन हमारी बताती है कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो किस डायरेक्शन में प्लेस होगा या किस डायरेक्शन में पेज के ऊपर एक्सटेंड होगा ठीक है तो हम ओरिएंटेशन को ओपन कर लेते हैं ठीक है तो ओ ओ भी दबा सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं तो माउस से मैंने निकाल लिया ठीक है और यहाँ से हम अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं लैंडस्केप के ऊपर लैंडस्केप जैसा कि आप देख रहे हैं पेज उसने दिखाई भी है शेप के लैंडस्केप में हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा है ठीक है टेढ़े पेज के ऊपर दे रहे हैं मतलब टेढ़ा मतलब के लंबी साइड पर ठीक है तो यही फर्क है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में लैंडस्केप में हमारा पेज लंबी डायरेक्शन पर होता है ये देखें हमारा पेज आ गया जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट इस तरीके से निकलेगा पेज के ऊपर यानी हमारा पेज यानी अमूदी साइड पर जो हुआ पड़ा होगा यानी रोटेट हुआ पड़ा होगा उसके ऊपर देगा प्रिंट ठीक है और उसके बाद है हमारी जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट जो नॉर्मल जिस तरीके से हमारा पेज होते हैं मतलब सीधे लंबी लंबी साइड पर तो ये हमारा एक कंसेप्ट था ओरिएंटेशन का ठीक है तो जब हम पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा नॉर्मल पेज की तरह होगा लेकिन ले जब लैंडस्केप करेंगे तो हमारी लंबी वाली साइड के ऊपर हमारा पेज टेक्स्ट प्लेस हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम अपने इस तरह कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो ओरिएंटेशन है ठीक है उसको चेंज कर सकते हैं हम उसके ऊपर अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इस तरह कर सकते हैं कि प्लेस कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हमने इस तरह किया कि अपना जो डॉक्यूमेंट टौक, है उसके टेक्स्ट को ओ, 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 प्लेस किया है ठीक है या मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग ओ, प्रिंटर के ऊपर प्रिंट दे रहे हैं ठीक है तो उसके ऊपर शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना पड़ करना पड़े किस किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़े क्योंकि ये जो आप दे रहे हैं ये तो आप डॉक्यूमेंट के ओरिएंटेशन कर रहे हैं ठीक है ठीक है कि डॉक्यूमेंट के मार्जिन इतने होने चाहिए इसकी इतनी इस तरह ओरिएंटेशन होनी चाहिए लेकिन प्रिंटर के अंदर भी सेटिंग होती है कि उसके अंदर भी ओरिएंटेशन होती है ठीक है तो आप लोगों ने देखना है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपके प्रिंटर के ऊपर बाई डिफ़ॉल्ट कोई कोई दूसरी सेटिंग ना होगी पड़ी हो डिफ़ॉल्ट है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है ये प्रिंटर के अंदर भी एक सेटिंग होती है ठीक है तो वही प्रिंटर के मार्जन्स और वही सारा कुछ डिसाइड करते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कितनी स्पेस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद ही होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे पेपर साइज़ के पर बात करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़